और ये जो सनकॉर्नियल का पेयर है ये मेरा ओपन एवियरी में मतलब फ्रेम बर्ड है और ओपन एवियरी में लगा हुआ इस नेस्ट बॉक्स में इन लोगों ने चुना और मेटिंग भी कर रहा है मतलब फिट करा रहा है। मैंने मेटिंग करते हुए देखा बाहर यहाँ बैठ के मेटिंग किया और अंदर जाके नेस्टिंग में बिजी है। तो हमको अभी जो करना है इन दोनों को सेपरेट एक ब्रीडिंग केज में ब्रीडिंग बॉक्स लगा के फिट करके इन लोगों को पकड़ के सेपरेट करना है और उम्मीद करता हूँ ऐसे सेपरेट कर देंगे तो बहुत जल्दी ब्रीड भी मिल जाएगा। रेड लोर्ड अमेजन एंड कुछ लवबर्ड यहाँ एक साथ मिलके खाना खा रहा है। यहाँ मेरा ग्रीन विंग मकाओ का ब्रीडिंग पेयर ये लोग भी खाना खाने में बिजी है और वो रहा ऊपर उन लोगों का नेस्ट बॉक्स और ये है फीमेल और फीमेल तो नेस्ट बॉक्स का अंदर जाके बैठी रहती है। और यहाँ ऊपर एक अफ्रीकन ग्रे आके मतलब मुँह में खाना लेके आया और मेरा सर का ऊपर गिरा रहा है। ओए वहाँ ऊपर अंडर साइज का दो बजी। ये रहा एक सीवियर मैकाओ और जो पानी पीने के लिए जो पानी दिया था मामा जी ने उसी पानी से ही सुबह सुबह नहा लिया। ये रहा हम लोगों का मंका बहुत प्यारा मंका 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 ओपन एवियरी का सारे टेम सनकॉर्नियल्स भी खाने में बिजी है। एक साल 9-10 महीना इन लोगों का एज हो रहा है मतलब सारे के सारे सनकॉर्नियल्स अभी एडल्ट हो रहा है। इन सबको पेयर बना के अलग अलग करके सेपरेट ब्रीडिंग केज में इन लोगों को रखना है तभी जाके बहुत ही जल्दी इन लोगों से हमको ब्रीड मिल जाएगा। और यहाँ है हम लोगों का और एक मोलक्कन कॉकाटू इसका एज 40 साल से ऊपर हो रहा है बहुत ज़्यादा एज हो चुका है थोड़ा सा वीक भी हो चुका है और ये इसका सोने का स्टाइल है सर नीचे करके देखिए। हाँ सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ। हाँ एक्चुअली कोई मोटा लकड़ी अगर दिया होता तो थोड़ा सा कंफर्ट मिलता। मामा जी को आज ही कहके एक मोटा सा लकड़ी यहाँ लगाने का बंदोबस्त करेंगे क्योंकि मोटा लकड़ी का ऊपर ये पूरा बॉडी मतलब उसका ऊपर रख के ऐसे मतलब ह्यूमन की तरह ही सोता है। हाँ एज भी हो गया है और इसीलिए सुबह जो खाना दिया था थोड़ा सा खाना खाया और अभी रेस्ट कंप्लीट रेस्ट। हाँ पहले तो मेरा ओपन एरिया में फ्लाई करता था और एक स्पेशलिस कॉकटेल है उसके साथ इसका बहुत अच्छा बॉन्डिंग था उसका इसका मतलब पंख का नीचे लेके चुपचाप से ऐसे रेस्ट करता रहता था वो भी इसके साथ बहुत अच्छा एकॉम्पनी देता था लेकिन जैसे ही एज ज़्यादा हो रहा है धीरे धीरे थोड़ा सा वीक हो रहा है इसलिए यहाँ इससे सेपरेट केज में यहाँ एक केज काफ़ी बड़ा है यहाँ से लेके उस साइड तक तो इसको मैंने यहीं रखा और ये आराम से यहाँ रहता है खाता है और रेस्ट करता रहता है। हाँ बहुत ज़ोर से नींद आ रहा है। यहाँ लेफ्ट साइड में जो अफ्रीकन ग्रे पैरट है एक फीमेल है और पूरा का पूरा एडल्ट हो गया इसके साथ कोई मेल नहीं था और शायद उसी कारण ये इरिटेट होके फेदर फ्लैशिंग शुरू कर दिया था तो उसके बाद इनको ले आके मैं मेरा ओपन लाइब्रेरी में छोड़ा। उसके साथ राइट साइड में जो है ये मेल है इनके साथ बॉन्डिंग भी हो गया है पेयर बन गया है। मैंने एक बार मेटिंग करते हुए भी देखा है मेरा इस ओपन लाइब्रेरी के अंदर और अभी ये पूरा के पूरा फेदर फ्लैशिंग बंद कर दिया है और इसका चेस्ट में बिल्कुल भी फेदर नहीं था और देखिए अभी पूरा के पूरा आ गया है और 1-2 महीने के अंदर हम लोग समझ ही नहीं सकते कि ये वही अफ्रीकन ग्रे पैरट है। और यहाँ गाला कॉकाटू का एक ब्रीडिंग पेयर है और ये दोनों पूरा के पूरा टेम है। हेलो और ये जो मेल है इसका गर्दन में मैं जब लेके आया था तब तो बिल्कुल भी फिदर नहीं था अभी आया लेकिन अभी भी बाकी है और ये बहुत अच्छा टॉकिंग भी करता है। और ये रहा फीमेल अगर एक बार टॉकिंग करना शुरू कर दिया तो रुकता नहीं है बहुत कुछ बोलता रहता है। और यहीं सेपरेट केज में एक पेयर व्हाइट जावा एंड एक व्हाइट फिंच रखे हैं ये लोग अभी छोटा है जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा ओपन एवियरी में छोड़ देंगे फ्लाई करने के लिए। तो कल रात 11:30 बजे घर में पहुंचे हैं घर में मतलब काकदीप का घर में क्योंकि राजेश यहाँ था मतलब यहाँ हम लोग का जॉइंट फैमिली है 20-25 लोग तो ऐसे ही खाते हैं और उसके साथ आज कुछ बाहर से भी लोग आने वाले हैं इसलिए यहाँ बहुत सारा मसाला तैयार किया जा रहा है
माँ कतो के जी मांगसू 12 kg 12 kg चिकन बनने वाला है। मतलब हर रोज तो ऐसे चलता रहता है। आलू प्याज का बोरे बोरे में खरीदना पड़ता है क्योंकि 25 लोग खाएंगे तो ज्यादा दिन नहीं चलता है इसलिए। और यहाँ चंद्रा भी ब्रेकफास्ट में लगे हुए है और रुद्र हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यह है काकदीप मार्केट, मतलब सुबह से बहुत भीड़ हो जाता है। और ये रहा हम लोगों का शोरूम, पूरा काम खत्म नहीं हुआ, पेंटिंग का काम थोड़ा बाकी है। क्या कृषा सो गए क्यों? हाँ भाई है मेरा, दुकान अभी शुरू नहीं हुआ। और यहाँ गणेश जी और लक्ष्मी माता, सच में बहुत खूबसूरत प्रतिमाएं है। आज तो संडे है और आज पूजा हो रहा है और कल मंडे हम लोगों का इस नया ज्वेलरी शोरूम का सुबह उद्बोधन है, ओपनिंग है। और देवाशीष बेस्ट विशेस कीजिएगा आप लोगों का इस नया शोरूम के लिए। और पूजा के काम अभी और थोड़ा सा बाकी है और पूजा खत्म होने के बाद यहाँ सारा मिठाई का बॉक्सेस है, ऐसे बॉक्स बनाया गया है, ऐसे ही सारे मिठाई का बॉक्स है। मतलब पूरा मार्केट में ऐसे लड्डू डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मैं और राजश्री सारे स्टाफ वगैरह सब मिलकर करेंगे। और कल से उद्बोधन होने के बाद तो शुरू हो जाएगा। और तो अभी हम लोग का नया आज तो उद्बोधन है शोरूम का। और गौतम दत्त अंकल, रिस्पेक्टेड गौतम दत्त अंकल के हाथों से ही सुबह उद्बोधन हो रहा है। वाह